उत्तराखंड में सुविधाओं की कमी के चलते और बेहतर जिंदगी के चलते युवा शहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जब उनका एक कदम उनकी जान ले ले। ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें एक युवा भविष्य के सपने संजोए बेंगलुरु शहर में कदम रखता है, लेकिन वहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ नशेड़ियों और चरस गांजा पीने वाले लोगों का विरोध कर रहा था। टीरी गढ़वाल के उस युवक के घर में मातम पसरा हुआ है। टीरी गढ़वाल के जगदीगाड़ गांव का रहने वाला जगदीप कुमार बेंगलुरु में एक होटल में नौकरी करता था। वो रात के वक्त अपनी ड्यूटी से अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा था कि इस दौरान रास्ते में कुछ नशेड़ी लड़के जगदीप को मिले और उसे लूटने की कोशिश की। जगदीप ने इस बात का विरोध किया तो नशेड़ियों ने उसकी निर्मम हत्या कर डाली। बेंगलुरु में ही जगदीप का अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में परिवार वालों का कहना है कि हत्यारों को सीधे फांसी होनी चाहिए। उनका कहना है कि काफी दिनों से उस इलाके में नशेड़ियों की गुंडागर्दी फैली हुई थी, यहाँ तक कि पुलिस भी गुंडों से मिली हुई थी। संवाद 365 के लिए संध्या सेमवाल की रिपोर्ट।